हे गाइस, चलिए एक और नया क्वेश्चन देखते हैं मोशन स्ट्रेट लाइन का। क्या कहा गया है इसमें? द स्पीड ऑफ टू आइडेंटिकल कार्स, यानी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है द स्पीड ऑफ टू आइडेंटिकल कार, दो आइडेंटिकल कार की आर यू एंड फॉर यू एट एनी इंस्टेंट, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर दो कार की स्पीड जो है वो यू एंड फॉर यू है। ओके फिर क्या कहा गया? द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव डिस्टेंस एट विच, द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव डिस्टेंस एट विच द टू कार्स आर स्टॉप्ड, द टू कार्स आर स्टॉप्ड। फ्रॉम दैट इंस्टेंट इज, फ्रॉम दैट इंस्टेंट इज। ओके देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। दो एक जैसी कारें हैं जिनकी स्पीड यू एंड फोर यू है। तो दो एक जैसी कारें हैं, इसका मतलब एक जैसी होने का पीछे अगर स्पीड अलग अलग है तो कोई बात नहीं, एक जैसी कारें अलग अलग स्पीड पर नहीं चल सकती, बिल्कुल चल सकती हैं। तो दो अलग अलग कारें, एक कारें हैं, कार अलग अलग हैं लेकिन हैं एक जैसी। तो एक जैसी होने का मतलब है कि उनके जो सिस्टम्स होंगे वो एक जैसे होंगे, यानी सिस्टम का मतलब है कि उनका जो जो मैकेनिज्म होगी उनकी, वो सबके सब क्या होगी? एक जैसी होगी, क्योंकि दोनों कारें बिल्कुल एक जैसी हैं। तो इसका मतलब, एक जैसा होने का मतलब उनका ब्रेकिंग सिस्टम भी एक जैसा रहा होगा। अगर ब्रेकिंग सिस्टम एक जैसा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों पर जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो दोनों से इक्वल रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर एक यू की वेलोसिटी चल रही थी और एक फोर यू की वेलोसिटी चल रही थी, उन दोनों पर ब्रेक अप्लाई कर दिए गए, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद ये कितनी डिस्टेंस पर जाकर रुकेंगी उनका रेशियो बताना है। तो मान लिया कि ये S1 डिस्टेंस कवर करके रुक जाएगी और ये वाली कार S2 डिस्टेंस कवर करके रुक जाएगी, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? जीरो। और इसकी भी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। लेकिन दोनों क्योंकि एक जैसी कारें हैं, अब जब दोनों एक जैसी कारें हैं तो दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम ही होगा, यानी कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी, मतलब रिटार्डेशन जो होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, वो सेम होगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, मतलब सिंपल सा फंडा है, हमें निकालना है क्या? डिस्टेंस का रेशियो। तो बहुत से बच्चे तो इस डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद कर लेते हैं कि एस बराबर क्या हो जाता है? यू स्क्वायर अपॉन टू ए हो जाता है, यानी कि जितनी इनिशियल वेलोसिटी होती है उसका स्क्वायर अपॉन टू ए। लेकिन फिर भी हम समझते हैं, ऐसे रटने से काम नहीं चलेगा। तो थर्ड इक्वेशन, ये यू भी पता है, वी भी पता है और ए भी पता है, हमें S1 पता करना है। तो यू वी ए एस कौन सी इक्वेशन में होता है? थर्ड इक्वेशन में। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? फॉर कार्बन, कार्बन के लिए वी की वैल्यू जीरो, यू की वैल्यू यू ही रहेगी, प्लस टू इंटू ए की वैल्यू माइनस ए, एस की वैल्यू S1। ये आ जाएगा कितना? माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू ए S1। यहाँ से माइनस कैंसिल, S1 की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन टू ए। फिर दूसरी वाली कार के लिए, कार सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा? यू की वैल्यू वही, वी की वैल्यू फिर से जीरो, यू की वैल्यू बस कितनी हो गई? फोर यू का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए की वैल्यू कितनी? माइनस टू ए S2। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 16 यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू ए S2। माइनस से माइनस कैंसिल, S2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16 यू स्क्वायर अपॉन टू ए। तो कुल मिलाकर आपको S1 भी मिल गया, S2 भी मिल गया। हमें S1 और S2 का रेशियो निकालना है। तो S1 बाई S2 निकालने के लिए क्या करेंगे? S1 की वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन टू ए, S2 की वैल्यू 16 यू स्क्वायर अपॉन टू ए। इस टू ए से टू ए कैंसिल, S1 बाई S2 इक्वल टू यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, 1/16। S1 रेशियो S2 बराबर 1:16। ऑप्शन में कहीं है? अच्छा, ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन दिए गए थे। मान लीजिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं 1:2, 1:4, 1:8 और 1:16। तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चौथा ऑप्शन 1:16 इज द राइट आंसर, यानी डिस्टेंसेस का रेशियो होगा वो 1:16 होगा।